हेलो एवरीवन, पीजीसीएल का कट ऑफ क्या प्रेडिक्शन हम देखेंगे पीजीसीएल के कट ऑफ का क्या हो सकता है क्या नहीं। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि दूसरे भी एग्ज़ाम थे, आरआरबी, एनटीपीसी, एचपीसीएल, एसएससी, सीएचएसएल, उसमें भी थोड़ा सा टाइम जा रहा था, इसलिए प्रेडिक्शन में थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए सॉरी। डिस्क्लेमर आपको एक बार पढ़ा दूँ मैं। ये रैंक आईक्यू सर्वे जो करता है उससे डेटा कलेक्टेड है, तो उसी हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। ये 100% करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 90% करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, जो भी आपका नेक्स्ट फेज़ होगा वो स्टूडेंट का डिसीजन रहेगा कि वो नेक्स्ट प्रिपरेशन करे या ना करे। इस बार वैकेंसी दी गई हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, टोटल वैकेंसीज 30 हैं, जहाँ पे यूआर की 14, ओबीसी की 7, एससी की 6, 1, 2 और सिविल की टोटल 5 वैकेंसीज हैं। आइए देखते हैं हम कट ऑफ। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे हमने शॉर्टलिस्ट किया है 1:1 रेशो में, तो वेटिंग लिस्ट भी निकालते हैं पीजीसीएल वाले, तो चांसेस हैं कि कट ऑफ यही रहेंगे या फिर इसके आसपास, या फिर इससे थोड़े से 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओपन का कट ऑफ देखा जाए तो 105 रहेगा, जहाँ की वैकेंसीज 14 हैं, तो हमने शॉर्टलिस्ट भी 14 ही किए हैं। ओबीसी के लिए जब हम 7 शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो टोटल काउंट जो है वो 19 आ रहा था 101.75 मार्क्स पे, लेकिन हमने जब उसका अपर मार्क देखा तो 103 पे टोटल 6 लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे, तो यहाँ पे आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि 103 ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 14 लोगों को एक्स्ट्रा बुला रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं इसमें। ईडब्ल्यूएस का 100.25, 2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर किए हैं हमने। अच्छा, ये शॉर्टलिस्ट के मार्क्स जो हैं ये ओपन में जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उसके बाद जो कैटेगरीज वाले बचते हैं उनके हिसाब से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 100.25 ईडब्ल्यूएस का रह सकता है, या फिर 103 ओबीसी का, एससी का 92, एसटी का 87.75 और पीडब्ल्यूडी का। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, वैकेंसी 2 थी लेकिन हमारे डेटा में सिर्फ एक ही था पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट, इसीलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट उसके मार्क्स दिखाए हैं 36.75। टोटल पार्टिसिपेशन 591 स्टूडेंट्स का था। ओके, जहाँ पे सिविल की बात करें हम, ओपन का कट ऑफ 87.25 या फिर उससे 1-2 मार्क ज़्यादा भी रह सकते हैं, क्योंकि 100% पीपल तो चेक नहीं करते रैंक आईक्यू से, तो हो सकता है इतना भी हो सकता है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी आप कंसिडर करेंगे तो 87.25 रह सकता है। ओबीसी का 84.75 और एससी का 86.500, यहाँ पे 2 का मतलब है कि 86.5 पर 2 लोग हैं उतने मार्क्स पे। ये डेटा कितने स्टूडेंट्स के बेसिस पे है, तो 36 स्टूडेंट्स के बेसिस पर है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि पीजीसीएल का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिस्पॉन्स शीट भी कुछ जनवरी के मंथ में आया था, तो हमने कट ऑफ 12 जनवरी को ये कट ऑफ डिक्लेयर किया था, जहाँ पे ओपन का कट ऑफ 98.75 दिखाया था, ओबीसी का 94 और एससी का 95 दिखाया था हमने, और जहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड 46 ही थे। तो इस बार यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 स्टूडेंट्स, तो कम लोगों ने चेक किया सिविल के बारे में, 46, 10 स्टूडेंट्स कम थे। जहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की, तो 494 स्टूडेंट्स ने तब चेक किया था लास्ट ईयर एग्ज़ाम में, वहाँ पे ओपन का कट ऑफ हमने 114.25 दिया था, ओबीसी का 111.25। यहाँ पे देखना कि वैकेंसीज लगभग सेम ही हैं, 14 ओपन की, 7 ओबीसी की, ऐसे ही वैकेंसीज हैं। ई डब्ल्यू एस का 108.5, एस सी का 94.25 और एस टी का 105.5। यहाँ पे हमें रिव्यूज़ मिले थे कि कट ऑफ काफ़ी क्लोज था,
एग्जैक्टली कट ऑफ हमें नहीं पता, जो कट ऑफ दिया गया है वो उसका नेक्स्ट फेज का एग्ज़ाम के मार्क्स मिलाकर ही दिया गया है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गया होगा। तो इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन का 114.25 कट ऑफ दिखा रहा है और हमने जो अभी प्रेडिक्ट किया है 105.00 है, तो कट ऑफ कम है। इस साल के लिए डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा थी ऐसे हम कह सकते हैं। थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।